हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज के इस वीडियो में आप सारे लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे, उसी कमेंट का जवाब आज इस वीडियो में मिलने वाला है। आप सारे लोग बोल रहे थे ओनर लो, रिव्यू लो, ओनर रिव्यू लो, ओनर रिव्यू लो, इतने सारे कमेंट्स आ चुके हैं अभी तक। तो ये वीडियो आपके लिए ही है। चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम ओनर रिव्यू के साथ में इनका क्या एक्सपीरियंस है, इन्होंने क्यों लिया ये बाइक, उसके साथ में काफ़ी सारी बातें हैं, ऐसे इंट्रो में नहीं बता सकते, वीडियो में शुरू करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, इन सर का नाम है अमय सर। तो इन्होंने काफ़ी सारे दिनों के बाद ये बाइक अभी इनको मिला है, उसके बारे में हम नहीं बताएंगे, सर बताएंगे कैसे इन्होंने ये बाइक परचेस किया और किस लिए, काफ़ी सारी बातें हैं, चलिए इनसे ही पूछ लेते। सर, सबसे पहले मुझे एक ही क्वेश्चन आता है कि आपने ये बाइक लेने का सजेशन किसने दिया, और या फिर आपके माइंड में ऐसा क्यों आया कि इलेक्ट्रिक लेना है और यही बाइक लेना है? सजेशन मुझे किसने दिया नहीं, मैं खुद से इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में सोच रहा था। मतलब मुझे आर ऑन फाइव गाड़ी पसंद थी, मैं आर ऑन फाइव लेने का सोच रहा था, लेकिन उससे मुझे गूगल पे ये गाड़ी दिखी, कबीरा दिखी, तो आर ऑन फाइव से अच्छी ये गाड़ी मुझे लगी, तो मैंने मेरे मन में इलेक्ट्रिक गाड़ी देने का विचार किया, इसलिए मैंने इलेक्ट्रिक गाड़ी ली। ओके सर, अभी तो आपने ये बता दिया कि इस बाइक को आपने क्यों परचेस किया, लेकिन अभी ये बताइए कि इसको लेने की प्रोसेस आपने कैसे कंप्लीट करी और कितना दिन आपको लगा? अच्छा, तो मैंने 7 से 8 महीने पहले इसके बारे में देखा था गूगल पे, इंटरनेट पे इसके बारे में देखा था, सोशल मीडिया पे देखा था, ये मुझे इसका शोरूम का इन्फॉर्मेशन मिला, मैंने निकाला मतलब इन्फॉर्मेशन उसका, इसका वाकड़ में शोरूम था, इसमें इन्फॉर्मेशन निकाला, फ़ोन नंबर लिया, और 7 से 8 महीने पहले मैंने सब देखा था, और दिसंबर मतलब 3 महीने पहले मुझे इसका, 4 महीने पहले मैंने इनको फ़ोन किया था, दिसंबर के पहले मतलब 4 महीने पहले फ़ोन किया था, तो इन्होंने बोला था अभी दिसंबर में टेस्ट ड्राइव के लिए आना पड़ेगा आपको, तब बुकिंग कर लेना हम गाड़ी की। तब मैं दिसंबर में आया, तो दिसंबर के बाद बुकिंग ओवर किया, टेस्ट ड्राइव ली, उसके बाद 3 महीने बाद मुझे डिलीवरी मिली। ओके, और अभी प्राइसिंग आपने कैसे लिया ये तो बता दिया, बट अभी प्राइसिंग बता दीजिए, बुकिंग का एक्चुअल में कितना प्राइस लगा, उसके साथ में आपने कितने सारे अमाउंट्स पे किए, या फिर आपने किस चीज़ से लिया, मतलब कैश लिया है कि कैसे लिया, आप वो भी बता। मैंने ये गाड़ी कैश में ली है, पहला अमाउंट मैंने प्री 500 रुपीज़ का प्री रजिस्ट्रेशन किया था मैंने इसका, बाद में बुकिंग अमाउंट 2500 रुपीज़, फिर बाद में कैश में ली है मेरी गाड़ी, इसका 40,000 सब्सिडी है, और वो सब्सिडी प्लस एक्चुअल में अभी विदाउट सब्सिडी है बाइक कितने में मिली आप? विदाउट सब्सिडी 1,75,000 और विद सब्सिडी 1,36,000। ओके, मतलब सब्सिडी मिला करके आपको 1,36,000 में आपको मिली, तो ऑल ओवर इंडिया के प्राइस है गाइस, ये सिर्फ पुणे की नहीं बता रहा मैं। और सर, आपने सब्सिडी अभी एक कैसे मिलेगी आपको, 40,000 की सब्सिडी मिल रही है राइट? हाँ, बट वो कैसे मिलेगी आपको? वो ये सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी है, और वो सब्सिडी अभी 40 के अंदर मिल जाएंगी, डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और ये कितने दिनों तक का प्रोसेस रहेगा? 35-40 डेज, मतलब एक दो महीने के अंदर, एक डेढ़ महीना पकड़ लेते ज़्यादा, है ना, डायरेक्ट अकाउंट में आ जाते हैं पैसे। ओके, बस सर, आपको ये बाइक लिया, आपने इलेक्ट्रिक बाइक का आपको माइंड में आ गया, बट ये बाइक जो आपने लिया है उसमें एक्चुअल में इसका पावर कैसा लगा है? अगर हम कंपैरिजन करें पेट्रोल बाइक के साथ में, तो उसमें ज़्यादातर पेट्रोल का प्राइस आपको तो मालूम ही होगा, आज आसमान के ऊपर भी जा चुका है, बट उसमें अगर आप, हाँ, इंडिया भी यही चाहता है गाइस कि इलेक्ट्रिक में इंडिया शिफ्ट हो जाए, तो इसीलिए पेट्रोल के भी प्राइस, आई थिंक कुछ लोग बता रहे हैं कि पेट्रोल के प्राइस इसी की वजह से बढ़ गई है, तो हम उसका टॉपिक नहीं है हमारा। तो आपने ये बाइक ले लिया राइट, अभी आपका डेली का खर्च कितना आएगा वो बताओ? अभी डेली का खर्च तो मेरा जब पेट्रोल की गाड़ी में चलाता था, हाँ, तो मेरा डेली का मतलब पेट्रोल का मेरा 70-80 रुपये लगता था मुझे पेट्रोल पे, हाँ, मतलब जैसे 100 रुपीज़ लगता, मतलब आपका डेली रूटीन कितना है, 20 किलोमीटर के आसपास? हाँ, तो फिर 10-12 किलोमीटर डेली रूटिंग है, तो अभी इसका एक चार्ज में मतलब 120 किलोमीटर की रेंज फुल चार्ज में, हाँ, ये गाड़ी 25-30 रुपीज़ का खर्चा देती है। हाँ, मतलब बहुत कम है, बहुत कम, अगर कम मतलब बात करें अगर पेट्रोल बाइक के साथ में, तो हम 10% भी पकड़ ले तो वो भी बहुत ज़्यादा होता है पेट्रोल प्राइस के कंपेरिजन में।
10-5% भी पकड़ लो तो ठीक है। और इसका कुछ भी मेंटेनेंस नहीं है, सर्विसिंग ऊपर कुछ नहीं। हाँ। इसका सर्विसिंग का क्या है, ये ब्रेक ऑयल है। हाँ। वो 6-6 महीने में एक बार डालना पड़ता है। अच्छा, सर्विसिंग का क्या प्रोसेस रहेगा, कितनी सर्विसिंग फ्री में मिलेंगी आपको? और सर्विसिंग नहीं है, सर्विसिंग है ही नहीं, सर्विसिंग है ही नहीं। उसका ब्रेक ऑयल है वो 6 महीने में से एक बार डालना पड़ता है। अच्छा, उतना ही है। कुछ भी चेकअप वगैरह नहीं, 1000 वगैरह कुछ नहीं? ओके। और यहाँ का फिर आपको स्पोर्ट बाइक जैसा लुक देखने के लिए मिल रहा है। एक्चुअली में मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया आपको। आपने अगर हमारा पहले वाले वीडियो देखे होंगे तो KM 3000 को मैंने आपको बताया था कि लुक कैसा है, वो देख लेना। अगर नहीं देखा तो कमेंट बॉक्स में सारे वीडियोस हैं, देख लेना। तो मैंने जैसे कि कहा था आप लोगों को कि KM 3000 की जो एक्चुअल में लुक है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। इसका पिक पावर भी एक्चुअल में नॉर्मली आपके इंडियन रोड के हिसाब से काफ़ी अच्छा दिख रहा है, मुझे लग रहा है। और आपने लुक जो है वो Ninja 300 है ना। हाँ। Ninja 300 बाइक है ना, सेम ऐसा लुक दिया है इसको। हाँ। इसलिए इसका नाम 3000 दिया है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, अच्छा सर, क्या अपने ओपिनियन है, आपके ओपिनियन अलग होते हैं उस सर? इसका ब्रेकिंग मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये देख सकते हो आप। हाँ, ये ग्रे जो ब्रेकिंग का एडजस्टमेंट है। हाँ। तो कम ज़्यादा आप कर सकते हैं इससे। हाँ, एडजस्टमेंट है। ओके। और आपको ये चलाने में कभी आपने टेस्ट ड्राइव लिया था? तो आपका कैसा फीलिंग रहा? अच्छा फीलिंग, मतलब अच्छा लगा, बेटर फीलिंग हुआ मुझे, अच्छा चलाने में अच्छा लगा। हाँ, एकदम स्पोर्टी लुक दिखता है मुझे, नहीं चलाने में अच्छा लगा लेकिन। हाँ, ओके। और इसका एक ऐप वगैरह मिलता है, उसका क्या? हाँ, ऐप रिवर्स ऐप होता है इसका, उसमें सब आपका दिखता है, उसमें कितना रेंज है गाड़ी का, कितने किलोमीटर चलती है। हाँ। वो सब दिखता है उसमें। और हाँ। उसमें और इसका चार्जिंग का बहुत ये मिला, तो यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है। अभी ओपन है कि नहीं? ओपन नहीं है, बिठाना पड़ता है। Okay. अभी मैंने नहीं किया, करूँगा। अच्छा सर, और एक मैं बात बता देता हूँ, अभी इनको एक थोड़ा सा डिस्प्ले जो है वो थोड़ा सा ओल्ड मिला है, बट इनको खुद अगर बाइक सेल भी हो चुकी है तभी भी इनका जो डिस्प्ले है डिजिटल है, बट वो थोड़ा सा अपडेट हो जाएगा तभी इनको ये चेंज करके मिलेगा। एक महीने के बाद अपडेट हो जाएगा। हाँ, एक महीने के बाद। देखिए, अगर सेल भी हो चुकी है तभी भी सर्विस आपको मिल रही है। ओके, एक अच्छी बात लगी है इस बाइक में मुझे। और अभी इसका आपको क्या ओपिनियन है, आप सर्विस सेंटर में हो जाते हो, मतलब अभी आप शोरूम वालों से कैसा रिस्पांस रहा, मतलब कैसी सर्विसिंग मिली? अच्छा, नॉर्मल है, आप अच्छा पता दिया उन्होंने, सर्विस अच्छा दिया उन्होंने। हाँ? मतलब मैंने फ़ोन वगैरह बहुत फ़ोन किया था उनको, मैंने गाड़ी कब आएगी, मतलब 7-8 महीने से वेटिंग कर रहा था ना मैं, तो रोज़ फ़ोन करता था उनको मैं, अरे कब गाड़ी आएगी। उन्होंने अच्छा बोला, उन्होंने ये अच्छा गाड़ी आ जाएगी, आ जाएगी। अच्छा रिस्पॉन्स दिया, मतलब अच्छा, स्टाफ भी अच्छा है, शोरूम भी अच्छा है, बाइक भी अच्छी है, सब अच्छा है। और सर, हम और एक वीडियो बनाने वाले हैं, उसको भी आप सपोर्ट करना। आप 1000 किलोमीटर जब जाएंगे सर, तब हम आपको ओनर रिव्यू उसके बाद उस वीडियो में हम आपको डिटेल में बता पाएंगे, क्योंकि ये जस्ट अभी परचेस किए हैं इन्होंने, अभी तक उतना चलाया नहीं गाड़ी की, बाइक की कंडीशन कैसी रहेगी वो तो अभी तक उन्होंने नहीं बता पाएंगे। सो गाइस, आपने अभी कमेंट किया था, इसके लिए आपको प्राइसिंग और थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन सब्सिडी के बारे में दे दिया है मैंने, कैसा बाइक है इनका, कैसा एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस तो इसमें है ही नहीं बिल्कुल, मैं ये बता देता हूँ, क्योंकि जस्ट इन्होंने टेस्ट ड्राइव ही लिया है। और जब हम इसका एक नेक्स्ट वीडियो बताया, जैसे कि मैंने 1000 किलोमीटर के बाद में आपको मैं बता दूंगा, बट अभी तक इसका एक्सपीरियंस आपको मैं नहीं बता पाया, उसके लिए सॉरी, बट थोड़ा डिलीवरी होने के बाद, थोड़े दिनों के बाद मिल जाएगा। वैसे बाइक काफ़ी अच्छी है मुझे तो लग रहा है पर्सनली, इनका मोटर का जो बिल्ड से हम मोटर है उसके एक्सपीरियंस भी देंगे, और बैटरी का एक्सपीरियंस देंगे, बाइक का टोटल एक्सपीरियंस उस वीडियो में मिल जाएगा। वैसे आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि ओनर रिव्यू जब हम लेंगे तब आपके क्या क्वेश्चन है, वो कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाना, ताकि आपको मैं जो नेक्स्ट वाला वीडियो है उसमें आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। इसी नए कंटेंट के साथ में, नए वीडियो के साथ में मिलते हैं हम अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड लाइक एंड डू सब्सक्राइब।